Hello, I am Sidra Kofi from class 7th and today I am going to explain you Sarvanam and its kinds. So, let's begin. Sarvanam. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, मैं पानी पी रहा हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक जैसे वह लड़का मेरा बेटा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह रहे हैं। जैसे इस बक्से में कुछ है, कोई पेट पर है। संबंधवाचक सर्वनाम दूसरों की बात में संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गीता जो पढ़ती है वह उत्तीर्ण हो जाएगी। भैंस जिसकी है उसी को दूध मिलेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु आदि या स्थान के बारे में प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे झूले पर कौन बैठा है, खाने में क्या बनाया है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अब स्वयं के लिए करते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे अपने लिए स्वयं खाना बनाना पसंद है, मैं अपना काम खुद करता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्वनाम एंड इट्स काइंड्स। थैंक यू।